पिंकू के ऑफिस पहुंचने वाले हैं, तो आपके ऑफिस में मुझे घुसाएंगे? ऑफिस में घुसाएंगे? तो पहली बार जो है आज मैं पिंकू के ऑफिस आई हूँ। ओहो, मजा आ रहा है ना? हाँ, वो क्यूरियोसिटी रहता है ना मन में कि आप लोग मतलब क्या कैसे जाते हो, कहाँ बैठते हो, कैसे काम करते हो। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोमेश लाइफ। होप यू आर डूइंग गुड गाइस। सो आज है संडे और इवनिंग को जैसे कि मैंने और एक व्लॉग एंड किया, फिर अभी थोड़ा हम बाहर आए हुए हैं। पहले हम कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे? बैसे हम अभी जाएंगे, हम लोग मैं सोच रहा हूँ लेंस कार्ड जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा वो कॉन्टैक्ट लेंस बोली थी कि एक लेंस ले, बट मुझे बहुत ज्यादा डर भी है क्योंकि अभी स्पेक्स के साथ तो मैं बहुत ज्यादा लाइक हद से ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी हूँ, बट अभी सोच रही हूँ कि अभी इसके साथ कंफर्टेबल हो गई हूँ तो लेट्स ट्राई की लेंस लेते हैं। क्यों अभी के बारे में देखो, हमेशा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा अच्छा नहीं लगता देखो ऐसा चश्मा लगा के घूमते नहीं कभी। देखो कहीं आप पार्टी में जा रहे हो, कुछ गाउन वगैरह पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, तो उसके साथ अच्छा नहीं लगता है। ऐसे नॉर्मली कैजुअल लुक पे ठीक है, तो उसी चीज के लिए अभी इसके साथ मैं अभी छोटे हो गई हूँ, तो सोच रहा हूँ कि वो ट्राई कर लूँ, क्योंकि जब इंस्टेंटली मैंने लिया था तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि इसके साथ ही मुझे एडजस्ट होने में 5-6 महीना लग गया, तो अभी तो ठीक है, 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए अभी सोच रहे हैं कि देखते हैं लेंस में। लाइक फिर भी डर तो मन में है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला भी था कि देखो उसका एक्चुअली वो झंझट भी है, लाइक वो सॉल्यूशन पे डालो निकालो, केयरफुल रहना पड़ता है, तो वो सब तो देखूंगी। और उसके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी तुम नहीं हो पाओगे, मतलब तुमको भी सब कुछ करना पड़ेगा। ट्रैफिक है संडे, मतलब खतरनाक ट्रैफिक, उसके ऊपर तुम डिपेंडेंट, मतलब मैं क्या बोल रहा था, डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं रह सकते हो। लाइक तुमको ही निकालना पड़ेगा वो कैसे सोल्यूशन वगैरह, और कभी भी खुजली वगैरह हुआ तो तुम इमिडिएटली रिएक्शन करके वो आंख में ऐसे जैसे हम लोग करते ना। वो मुझे एक्चुअली आप लोग बोला ना, या फिर लाइक अभी इचिंग वगैरह हुआ तो आप लाइक इचिंग कर सकते हो या लाइक नहीं, या फिर ऐसा कि वो क्या होता है, तो किसी को अगर अच्छे से कोई लाइक पहन रहे हो ना कॉन्टैक्ट लेंस तो मुझे थोड़ा सा डिटेल्स में बोलना तो क्या कैसे करना पड़ता है, थोड़ा सा फिर भी मुझे डर डर तो लग रहा है, बट लेट्स सी, देखती हूँ उनको, उन लोगों के साथ बात करते हैं, लेंस कट जा रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट, बट बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, पता नहीं हम कब तक पहुंचेंगे। मैं वही सोच रहा हूँ, मतलब वो वाला जो लेंस कट है यहाँ पर जो सामने, यहाँ पे पास में एक है ना, वहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत ज्यादा इशू रहता है, तो हम उस मॉल पे चलते हैं। लेंस कट हम लोग जाएंगे तो हम लोग सोच देखेंगे बाहर आके मेरा कार नहीं होगा, कार टॉय करके ले ले होंगे ये लोग। मतलब मॉल क्यों आया पता नहीं, मैच देखते हुए यहाँ पे घूम रहा है। आज आईपीएल शुरू हो रहा है तो आज चेन्नई और मुंबई का मैच है, तो देखना तो बनता है ना, और ये एमएस धोनी का मैच तो कभी बंद नहीं करना चाहिए, तो मैं तो घर बैठना चाहना फिर आप। बट चेन्नई गया यार, चेन्नई का हालत पूरा बुरा हो गया है, क्या बोल रहे थे, घर बैठना चाहिए। हाँ, घर बैठ के देखना चाहिए था। तुमको भी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी मैच देख रहा हूँ, मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ। अच्छा, और यही वाले मॉल पे आके मुझे पता चला था इसी लेंस कार्ड पे कि मेरा आँख खराब है, इसलिए वो सेम लेंस कार्ड को लेके आया हूँ, तुम्हारा आँख और ज्यादा खराब हुआ होगा कि क्या होगा वो चेक करने के लिए। और क्यों ग्लासेस देखना है तुमको, तो लेंस पहनना है अभी। लेंस समझ गया ना कैसे पहनना है? तो यू आर ओके राइट नाउ? लेट्स सी अंदर से कैसे दुक 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 कर रहा है। बट एक बार हो जाएगा ना वो, अगर डेमो तुमको दिखा देंगे ना देन प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा ऑटोमेटिकली। बट वो भी बोले कि मतलब उनका पास नहीं है तो नहीं तो वो डेमो कर सकते थे, मतलब सेम तुम्हारा जो पावर है ना वो पावर नहीं है, नहीं था उनके पास। सो गाइस फाइनली हमारा कॉन्टैक्ट लेंस मैडम का रेडी हो गया मतलब एक्चुअली फाइनलाइज हमने कर लिया कि हम लेंगे, बट ऑर्डर हम कर रहे थे, बट उन्होंने जो पूछा कि आपने लास्ट कब चेकअप किया था, तो इट्स ऑलरेडी 7 मंथ हो गया है, तो कल मैं एक बार आके और एक बार चेक करा लूँगी, क्योंकि अभी जो है उनका वो अवेलेबल हो रहा है यार, क्योंकि वो लेके आ रहे हैं ना इतना साउंड हो रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो कल एक बार चेक करा लूँगी,
फिर कल ही ऑर्डर प्लेस कर लेंगे, क्योंकि आने के लिए 5-6 दिन लगेगा और तब तक हम अपने पैकेज पे भी जाएंगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आ जाए। और उससे पहले तुम प्रैक्टिस भी कर लो। प्रैक्टिस करने के लिए और कहा टाइम है इतना। और गाइस बहुत जोर से भूख लग रहा था तो हम लोग फूड कोर्ट में आए हैं, लेकिन इसको बर्गर खाना है, मेरे को बर्गर नहीं खाना है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्या खाऊंगा, लेकिन इसको ही बर्गर खाना है। मैं बोल रहा था चलो कहीं रेस्टोरेंट जाके खाते हैं रोटी वगैरह कुछ सब्जी वगैरह, बट इसको बर्गर ही खाना है। कहाँ आ गया बर्गर। मैं जितना भी सोचती हूँ कि केएफसी और नहीं खाऊंगी, बार बार मुझे वही मन होता है। जो सोचते हैं ना ज़्यादा वहाँ से नहीं खाऊंगा बोल के, वो मन होता है ज़्यादा। इससे बेहतर जाके कहीं पर डिनर करते, कितना अच्छा मिल करते रोटी सब्जी, कितना अच्छा लगता है वो। बर्गर ही चाहिए। और क्या डाइटिंग करोगे तुम फिर? नहीं डाइटिंग क्या करोगे बोलो तुम? नहीं करनी। सुबह निकल आए हम लोग, मेरा तो हो गया खाना पीना सब काम, लेंस का तो हम कल ऑर्डर दे देंगे, बट ये महात्मा मुझे बहुत कंफ्यूज करा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं खुद कंफ्यूज हूँ। हाँ, शादी के बाद से पूरा कंफ्यूज ही कंफ्यूज हूँ। इसमें ये बात की कोई मतलब ये था, बोल रहे कि अभी इनको रेस्टोरेंट पे खाना है, बोला चलो फिर ठीक है खाओ, मैं बैठती हूँ। बोले कि तुम खाओगे, मैं तो नहीं खा पाऊंगी, ये पेट मेरा भर गया है, और एक पेट मंगवाना पड़ेगा मुझे खाने के लिए। हाँ मेरे को और एक पेट उधार में लाना पड़ेगा। क्यों? और कुछ खाने के लिए? हाँ मेरे में और नहीं, एक पेट में नहीं हो रहा है। नहीं ये मंगाई थी मतलब एक बर्गर, वो जो मील होता है लाइक दो पीस क्या होता है विंग्स, विंग्स और फ्राइज, और ये विंग्स और फ्राइज मैं खा लिया, वो ये ओनली बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स ले ली। तो मैं सोचा कि चलो मेरा भी तो थोड़ा बहुत पेट तो हो गया है, थोड़ा कुछ एक एग रोल नहीं तो शवरमा। वैसे भी बहुत लोग बोल चुके हैं कि डाइट करो डाइट करो, देखो मैं फूड का करूंगा चलो। अरे नहीं मैं तो फिर भी ठीक है, मैं लाइक मंडे से फ्राइडे तक तो कर ही लूंगी, थर्सडे तक देखता हूँ ना, मैं कर ही लूंगी तो देखता हूँ। करती नहीं हूँ क्या, कर रही नहीं थी क्या वाले वीक, बट जैसे ही फ्राइडे हो जाएगा इवनिंग फिर मुझे क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाएगा ये। और मेरा भी मैं मतलब मेरा भी वो पार्टी वगैरह मूड में आ जाता हूँ, दोस्त लोग आ जाते हैं, ज्यादातर आप ही वैसा करते हो तो हो जाता है ना वो ऑटोमेटिकली। तो मैं अकेली होती तो कुछ नहीं, मैं खुद कंट्रोल। तो वो सब डाइटिंग का अगर करना है तो पूरा सोशल लाइफ सब मेंटेन पूरा बंद करना पड़ेगा, मतलब ना फ्रेंड के साथ मिलो ना किसी के साथ मिलो, वैसे होना चाहिए ना वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और हमारा फ्रेंड सर्कल में सबका पेट ऐसा ही है, मतलब किसी किसी का स्टेरिंग के ऊपर पेट जाता है, मेरा तो स्टेरिंग के ऊपर पेट नहीं गया, किसी किसी का तो स्टेरिंग के ऊपर भी पेट होता है। ओह गॉड दिस इज टू मच पिंकू, कुछ दिस इज नाइस वन। अरे मम्मी का, मैं आज अभी पूछ रहा था तुम्हारा मम्मी का फोन क्यों नहीं आया है। मैं बोला आज कैसा आज क्या हो गया, मतलब सीरियसली आज फोन नहीं आया है। देखो मम्मी का फोन आया, माँ का फोन आया, फोन आया माँ का फोन आया। और अभी हम लोग जस्ट सोने के लिए जा ही रहे थे बेड पे, और बाप रे क्या बारिश ही आ गया बालकनी पे, बारिश देख के पूरा ये सुनसान, ये बारिश जो लग रहा है ना बहुत ठंड लग रहा है, और मतलब कितना धूप हो रहा था नहीं, 3-4 दिनों से बहुत कड़क दर धूप हो रहा था, गर्मी लगने लगा था। हाँ और अभी इतना बारिश हो रहा है भगवान। हाँ। रात को 12 बजे हम लोग यहाँ पर ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब सीरियसली। नहीं नहीं वैसे अभी सो जाती तो और पता नहीं चलता, जस्ट अभी सोने जा रहे थे हम लोग। पानी आ रहा है, कितना सुकून लग रहा है यार, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ठंडा ठंडा बहुत ठंड लग रहा है लिटरली, अच्छा लग रहा है। आज प्लांट सारे बहुत खुश हो जाएंगे, उनको बहुत टाइम के बाद अच्छा वाला एक बारिश मिला है ना। हाँ खुश है। Hey guys, so आज है नेक्स्ट डे, और अभी पिंकू जा रहे हैं अभी ऑफिस, साथ साथ मैं भी जा रही हूँ, तो इसको भी आज जाके मैं ज्वाइन करा लूंगा ऑफिस में। ज्वाइन कर लो कुछ अगर है मेड वगैरह के कुछ जॉब वगैरह है तो उसको। नहीं यार जोक कर रहा था, जोक एट द पार्क। तो ऐसे ही मतलब हम लोग ऑफिस जा रहे हैं थोड़ा। यार पहला अदरवाइज खोल लो, ऐसा क्यों करके बात कर रहे हो। सॉरी। हाँ तो पिंकू एक्चुअली जा रहे हैं उनके कुछ काम से ऑफिस। हाँ तो मैं वही बोल रही थी कि अच्छा होता ना कितना अगर हम साथ में ऑफिस में जॉब करते तो साथ में जाते, तो बोल रहे हाँ हाँ, बट अंदर से बिल्कुल ना ना है, क्योंकि सभी हस्बैंड को ऐसे ही होता होगा, कहीं एक साथ में कभी भी काम नहीं करना है बस, क्योंकि सभी का सब कुछ हो रहता है ना, मतलब कुछ पर्सनल भी पर्सनल चीज भी रहता है ना। हाँ मतलब चाहे जॉब करो पर अलग 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 जॉब, एक साथ एक कंपनी में तो कभी मत करना सब कुछ, मतलब एक साथ में घर में भी रुको, ऑफिस में भी जाके लंच के टाइम में नहीं आ रहे हो लंच करने के लिए आओ, ये सब क्या नहीं चाहिए भाई, बाबा रे बाबा ये नहीं चाहिए। ऑफिस के टाइम थोड़ा तो अच्छा दिमाग सही रहना चाहिए ना, दूर रहना चाहिए। वो बोल दो डायरेक्टली, देखो क्या पति है मेरा भगवान। चलो ऑफिस। हाँ ठीक है, पर उनका थोड़ा सा काम है, कुछ टाइम में ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं वेट कर लूंगी बाहर,
और फिर खत्म हो जाने के बाद पिंकू का काम हम थोड़ा जाएंगे मेरा लेंस कट, मुझे जो लेंस ऑर्डर करना है आज, सो या आई एम सो एक्साइटेड, तो चले। तुम्हारा लेंस ऑर्डर करने से पहले डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। ये सर थोड़ा सा चेकअप भी कर लेंगे, हमले मुझे लग रहा है कि वही ठीक है, बट फिर भी ऐसा पता नहीं चलता ना एग्जैक्टली, थोड़ा चेकअप करा लेंगे वो ही बेटर है। तुम पहले बात कर लो, नहीं तो अगर ये रोड में चलाऊंगा तो तुम्हारा बात करना खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं हो गया, चलो ये रोड जो हिलते डुलते पूरा सर्कस के तरह ऐसे ऐसे होते हुए जाएंगे, तो फिर चलो। मतलब ये मेरे को पूरा फील होता है ना, मतलब जो हिल स्टेशन का जो हम लोग रोड में चलते हैं ना, वैसे ही फील होता है पूरा। हाँ हिल स्टेशन पे रह रहे हैं, बैंगलोर किसी हिल स्टेशन से कम है क्या? हाँ बैंगलोर के हिल। और आज मौसम क्या हुआ है यार? हाँ लिटरली थोड़ा सा बस बारिश हो जाएगा फिर मैं ऐसे ऐसे सब बंद कर लूंगी, वैसे ही मेरा गला भी बैठा हुआ है, कल रात को भी बहुत बारिश हुआ था मस्त, थोड़ा सा बारिश हो जाएगा फिर मैं विंडो खोल के। बारिश तो होने वाला है, बहुत शानदार बारिश, और बस मस्त वाला बारिश जो है शुरू हो गया। अरे लोग कैसे भीग के जा रहे हैं यार, मेरे को पेट्रोल डालना है, यहीं पर डाल देते हैं पेट्रोल ना समय। We got time, but no money. But there ain't nobody stopping us. We got bills, but no dollars. But now we don't really give a, no, we don't really give a. Living for that ray of light. Life can be beautiful. Life can be beautiful. और बस थोड़ा सा क्या बारिश हो गया, पानी पूरा रोड भर में जम गया है यहाँ पे, यही होता है थोड़ा बारिश हो जाए बस। बैंगलोर का ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ना, तो हाँ। इसलिए वो प्रॉब्लम होता है। तो फाइनली अभी हम जो है पिंकू के ऑफिस पहुँचने वाले हैं, तो आपके ऑफिस में मुझे घुसाएंगे? ऑफिस में घुसाएंगे? ऑफिस में नहीं घुसाएंगे, बेसमेंट में अगर। और एक्चुअली चिरंजीव भैया और भाभी भी आई है, तो देखते हैं लेट से उनके साथ मतलब मिलना होता है। बहुत लोग को पता नहीं होगा मतलब भाभी जो है वो जब मेरे कंपनी में ज्वाइन किए हैं, कंपनी में सेम कंपनी हो गया अभी दोनों का, तो इसलिए वो लोग भी आए हुए हैं। तो अभी हम लोग अभी क्या करेंगे, भाभी और मैं बैठ के मैं इसके बारे में बात करूंगा, भाभी और चिरंजीव भैया के बारे में बात करेंगे। तो अभी ये एक्चुअली मुझे तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि भैया भी है ऑलरेडी, उनको नहीं छोड़े बाहर है, तो भैया और मैं बाप बैठ के बाहर हम दोनों चुगली करेंगे और आप दोनों जाके काम करना, और क्या करेंगे, आपका काम निपटा के आ जाओ ठीक है। तो पहली बार जो है आज मैं पिंकू के ऑफिस आई हूँ, ओहो मजा आ रहा है ना। हाँ लेट्स सी, मतलब वो क्यूरियोसिटी रहता है ना मन में कि आप लोग मतलब क्या कैसे जाते हो, कहाँ बैठते हो, कैसे काम करते हो। ऑफिस का देखो कैसा रोड है, कैसा देखो, दिस इज कॉल्ड ससना बिजनेस पार्क। अभी कोई आके देख ले, मतलब सब्सक्राइबर से कोई पूछेगा कि ससना बिजनेस पार्क से अभी कहाँ कौन सा कंपनी है, आप क्या करते हो, इतना डिटेल्स में जितना हो सकता है उतना बोल दिए, नहीं कुछ तो प्राइवेसी होनी चाहिए ना। yes, बाप रे अंदर इतना बड़ा है, ये बाहर से मैं हमेशा देखती हूँ, पता नहीं चलता कि अंदर इतना बड़ा है, बहुत सारा कंपनी है ना। अच्छा लगभग कितना कंपनी है फिर भी अप्रोक्स? मैं काउंट नहीं किया। फिर भी एनी आइडिया 30-40-50 उससे ऊपर होगा, उससे भी ज्यादा होगा, मतलब ये जो एक एक बिल्डिंग है ये एक एक कंपनी है। कुछ कुछ कंपनी मतलब पूरा उनका पूरा ही बिल्डिंग है, कुछ कुछ कंपनी में एक बिल्डिंग में 5-6 कंपनी है, ऐसा है ना, डिपेंड्स करता है। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग में कार पार्क करने, पार्किंग तुम पार्किंग तक तुमको अलाउ कर दिया मैंने। और क्या चाहिए बोलो, पार्किंग देख के क्या करूंगी, ऑफिस का पार्किंग, ऑफिस का पार्किंग में तुमको अलाउ कर दिया। और वहाँ पे चिरंजीव भैया खड़े हैं वहाँ पे, भाभी भी आ गई। तो फाइनली गाइस काम हो गया, और यार चिरंजीव भैया भाभी चिरंजीव भाई भल जानी कौट कौट ऑफिस पाखे कह तुम ऑफिस भितर तुम ऑफिस भितर पूरा कि अरे गोटे तुम ऑफिस आड़ को गला गोटे फूड कोर्ट अच्छे ना। तो फाइनली अभी हम चारों मिलके जा रहे हैं चाय पीने, इतना मस्त सा पूरा बारिश सा वाला मौसम है ना, चाय पीने में मजा आ जाएगा। और आज मैंने पूरा पिंकू का पूरा नहीं बट कुछ आधे घूम ही लिया, और फिर भाभी के साथ जाके थोड़ा सा एंट्री करके हम वॉशरूम भी अंदर गए थे, तो ऑफिस मेरा घूम लिया थोड़ा बहुत, नहीं थोड़ा बहुत घूम लिया। और ये पीछे में आप देख सकते हो मेरा चेयर भी आ गया, एक चेयर उठा के ले आया हूँ ऑफिस से। तो बेसिकली हम इस काम के लिए आए हुए थे, बेसिकली ये काम के लिए आए थे हम लोग। तो देखते हैं अभी मतलब सोच रहे हैं हम इसको लेके घर जाए या फिर शिफ्ट तो करेंगे, चिरंजीव भैया के घर पे ही रख ले अभी, वो हम थोड़ा कंफ्यूज है, लेट्स सी क्या करते हैं। आ गया मेरा थोड़ा सा मतलब चाय, साथ में थोड़ा सा एक पेटिस, मशरूम पेटिस। क्या हुआ? पानी है, पानी? हाँ पानी है।
बारिश में मस्त वाला गर्मा गर्म चाय, मतलब आज बहुत दिन के बाद में पी रही हूँ। एक्चुअली अभी तो बेसिकली मैं नहीं पी रही हूँ, और कभी कभार बहुत जब मन करे, मतलब जैसे कह थोड़ा सा बारिश हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो सब पी रहे हैं तो थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। तो सब काम वाम खत्म करके हम लोग आए हुए हैं लेंसकट, तो अभी चल रहा है मेरा चेकिंग, लेट्स सी और में कुछ चेंजेस ना हो, होगा तो अभी फिर से बहुत लाइक फिर वो स्पेक्स वगैरह की भी पावर चेंज करना पड़ेगा, तो वो अभी चेक कर रहे हैं। तो चले गए साथ जो ब्लॉग है यही पेंट करती हूँ, होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना। साथ साथ पिंकू का ऑफिस मैंने दिखाया, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने दिखाया, तो उसके लिए तो एक लाइक बनता ही है, तो लाइक करना। साथ साथ अपने चैनल पर नए हो पहली बार विजिट करो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय guys, bye।